रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं बहुत खुश थी योगेश जब इस घर में आई थी। आरजू बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई है जहां सभी लोग उसे इतना प्यार करते हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद आरजू का चचेरा देवर ललित उसके पास आता है और बोलता है, भाभी तुम तो कतई जहर लग रही हो, हमारा पूरा शहर में तुमसे सुंदर ना है कोई। क्या बात करते हो देवर जी, अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे भी खूबसूरत चेहरे हैं इस दुनिया में, बस देखने वाला होना चाहिए। अरे वो तो पता नहीं, हमने आज तक आपसे खूबसूरत चेहरा ना देखा कभी। ललित आरजू के साथ मजे मस्ती करने लगता है और उसकी सुंदरता की तारीफें करते नहीं थकता। तभी योगेश ये सब कुछ देख लेता है और उनके पास जा ही रहा होता है कि ऐसे में योगेश का एक दोस्त सौरव आ जाता है और उससे बोलता है, भाई भाभी कहाँ है, जरा हमें भी तो मिलवा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो देखो वो खड़ी है। कहाँ? सूरज आरजू को देखने लगता है पर आरजू उसको नजर नहीं आती और योगेश जल्दी से अपनी बीवी के पास जाकर उससे बोलता है, आरजू तुम घूंघट कर लो और सबके सामने घूंघट में ही रहना, और हाँ जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये घूंघट मत हटाना। अरे आज तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे सारे देवर मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं घूंघट ओढ़ लूं। बेबी मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी तारीफ जितनी तुम बोलोगी, पर अभी के लिए प्लीज घूंघट कर लो। इतना बोलकर योगेश वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से सौरभ उसके पास आकर उससे बोलता है, भाई मिलवा क्यों नहीं देता भाभी से? मिलना है तुझे, चला मैं मिलवाता हूँ। ये बोलकर वो उसको आरजू के पास ले जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाता भी है। तभी सौरभ बोलता है, भाई भाभी को बोलना घूंघट हटाए। घूंघट मत हटाना मेरे बोलने पर भी, आरजू तुम सौरभ के सामने अपना घूंघट हटा सकती हो, मेरा जिगरी यार है वो। हाँ जी मुझे शर्म आती है, वो क्या है ना अभी मैं आप सब लोगों को ठीक से जानती नहीं हूँ। सौरभ बार बार उससे बोलता है लेकिन फिर भी आरजू अपना घूंघट नहीं हटाती, जिसके बाद सौरभ उदास होकर वहाँ से चला जाता है और योगेश उसके पास जाकर बोलता है, भाई तू अपना दिल छोटा मत कर। भाई मैं भाभी से मिलने इतने दूर से आया था और एक भाभी है जो आज के टाइम पर भी घूंघट करती हैं। भाई अब तुझे क्या ही बताऊं, जब से हमारी शादी हुई है ना मैंने भी अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखा, पता नहीं कैसे घूंघट वाली बीवी मिली है मुझे जो अपने पति से भी घूंघट करती है। तेरे भाई की तो जिंदगी ही खराब हो गई। बस भाई तू रो मत। इसी तरह दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं। कुछ ही देर के बाद सौरभ बिना आरजू को देखे वहाँ से चला जाता है और योगेश खुशी खुशी अपनी बीवी के पास जाकर उससे कहता है, आरजू तुम इस पूरे शहर की ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो, बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा सिवा कोई तुम्हें और देखे, इसलिए तुम्हें घूंघट में ही रहना होगा और वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है बहू को घूंघट में ही रहना चाहिए। इतना बोलकर योगेश वहाँ से चला जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बीवी की खूबसूरती को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए उसको हमेशा घूंघट में ही रहने को बोलता था, पर आरजू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके लिए वो हमेशा घूंघट हटाकर योगेश से लड़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन आरजू योगेश से कहती है, सबके पति अपनी बीवी को कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं लेकिन आप तो मुझे ना कहीं बाहर लेके जाते हैं और ना ही मुझे अच्छे से टाइम देते हैं और ऊपर से ये घूंघट, अरे आखिर कौन करता है आज के टाइम पे घूंघट? बस इतनी सी बात, बोलो ना कहाँ चलना है? मूवी देखने, वो भी आज और अभी। योगेश उसकी बातों को सराखों पर रखकर तुरंत अपने और उसके लिए मूवी के दो टिकट्स बुक कर लेता है और आरजू को तैयार होने के लिए बोल देता है, जिसके बाद आरजू बन ठन कर उसके सामने आती है और खुशी से उससे कहती है, चलिए आई एम रेडी। घूंघट तो कर लो अगर किसी ने देख लिया तो। आखिर ये सब क्या है और ये कब तक चलता रहेगा? अरे दुनिया में इकलौती मैं ही सुंदर लड़की बची हूँ क्या जिसे हर टाइम घूंघट करना पड़े? अगर घूंघट करके चलना है तो ही तुम चलोगी, वरना इस घर में ही पड़ी रहो। गलती मेरी ही है जो मैं हमेशा आपकी बातें मानती आई हूँ। अरे मुझे नहीं करना ये घूंघट, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर कैलाश उनके पास आता है पर आरजू घूंघट नहीं करती,
जिस पर योगेश अपने पिता से कहता है, लाज शर्म सब बेच खाई, आपकी बहू एक तो अपने पति से ऊंची आवाज में बात कर रही है और दूसरा ना घूंघट किया है इसने, अरे सर पर पल्ला तक नहीं है। और यही संस्कार दिए हैं क्या तेरे माता पिता ने? जमाना मॉडर्न है पर संस्कार तो दिल से होने चाहिए ना। इतना बोलकर योगेश घर से चला जाता है और उसके जाते ही कैलाश अपनी बहू के आंसुओं को पोंछकर उससे बोलता है, कोई बात नहीं बहू, मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाऊंगा। नहीं बाबूजी, वो कुछ नहीं समझेंगे, वो एक पुरानी सोच के इंसान है जिनको मेरी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है क्योंकि मैं इनके ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी बहू को इस तरह जाता देखकर कैलाश खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद अर्जु को कुछ नहीं देखती और वो अपने ससुर को खुद ही बाहर खड़ी बाइक पर बिठाकर अपने कंधों पर बांधकर हॉस्पिटल ले जाती है और योगेश को भी इन्फॉर्म करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद योगेश जोर से हाथ पकड़कर उससे बोलता है, बिना घूंघट के तुम बाबूजी को ऐसे बाइक पर यहाँ लेकर आ गई, सच में शर्म लिहाज बेच खाई है तुमने। वो बस मैं, जुबान चलाएगी मेरे सामने। इतना बोलकर वो जैसे ही उस पर हाथ उठाने जा रहा होता है कि तभी कैलाश अपने बेड पर लेटे हुए उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अगर आज बहू सही समय पर मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। बाबूजी आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं? यही कि जब घर में कोई नहीं था और मुझे दिल का दौरा पड़ा तो बहू अकेली ही मुझे यहाँ लेकर आई और अब बहू घूंघट में नहीं रहेगी। अपने पिता की बात सुनकर योगेश बाहर चला जाता है और आरजू उसके पास आकर बोलती है, मैं नहीं चाहती ना तो कभी घूंघट में नहीं रहती। अरे इतने दिन हो गए, मैंने आज तक अपने चेहरे से घूंघट नहीं उठाया, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मैं आपकी और आपकी बातों की इज्जत करती हूँ, इसीलिए आपकी कही हर बात को मानती आई हूँ। मुझे माफ करना आरजू, अपनी बीवी को दुनिया की गंदी नजरों से बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, पर अब और नहीं, तुम्हें अब घूंघट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो जो हर मुश्किलों का खुद सामना कर सकती हो। योगेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उस दिन के बाद से हमेशा के लिए अपने बीवी को घूंघट से आजाद कर देता है और कैलाश के ठीक होने के बाद अपनी बीवी और पिता के साथ घर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।